पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित स्वच्छ भारत मिशन की भागीदारी के लिए एक दिन पहले 1 अक्टूबर को देशव्यापी अभियान की अपील की थी। इस अपील का शहर में असर दिखाई दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुबह से ही स्कूली विद्यार्थियों सहित सामाजिक संगठन हाथों में झाड़ू तगारी लेकर सड़कों मोहल्लों में नजर आए। गोकुलदास महर्षि विद्या मंदिर, आदित्य स्कूल, रोटरी क्लब एवं नगर पालिका अमले ने TIT कॉम्प्लेक्स के सामने मुख्य मार्ग पर साफ सफाई की एवं जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से आम जन को अपने घर के आसपास सहित शहर में साफ सफाई रखने का संदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान को लेकर मोबाइल पर भी कलर ट्यून के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जैसे कि सबको पता है, स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है बेसिक तरीके से। तो ये बहुत अच्छा अभियान है जिसमें हमने बच्चों को, शिक्षकों को, सबको प्रतिभागिता करने का मौका मिल रहा है। और ये सबसे पहली शुरुआत है, सबसे पहला स्टेप है इंडिया को सक्सेसफुल बनाने का, जिसमें हर बच्चे का, हर टीचर का, हर स्कूल का योगदान देखने को मिल रहा है। मैं GPS से मंडला वेदवती, प्रिंसिपल, अपने पूरे टीम के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे इसकी प्रतिभागिता में शामिल हुई है। शहर को 1 तारीख 1 घंटा ये सफाई अभियान हमारे स्वच्छता देश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये संकल्प लिया था और उसको हम आज संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये मुझे जो है खरगोन जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है इस सफाई अभियान के लिए CBSE के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर सभी को इकट्ठा किया है जिसमें मैंने यहाँ के पार्षद, MLAs, डॉक्टर्स, क्लब, रोटरी क्लब, मॉमीज ग्रुप एंड सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके द्वारा हमने ये संकल्प लिया है कि आज हम ये स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 100 घंटा हम स्वच्छता के लिए देंगे। और मैं ये अपने घर से, अपने परिवार से, समाज से और फिर इस देश से हम शुरू करेंगे और इस तरह से हमारे देश में स्वच्छता बनी रहेगी, यही संकल्प हमने लेकर आज ये कार्यक्रम को शुरू किया है। धन्यवाद। आप कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हो और आज प्रतिदिन स्कूल के प्रिंसिपल भी हो, इसको लेकर आप किस तरह से अभियान छेड़ेंगे? हम इसको अभियान, वही बोला ना, 100 घंटे हम लोग हफ्ते में, तो हम अपने स्कूल में भी अपने बच्चों से ये तो करवाते ही रहते हैं और इस अभियान के दौरान हम लोग अपने स्कूल में भी सभी बच्चों से, सभी टीचर से और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उन सब से हम अपने स्कूल को, उसके आसपास की जगह को, कोई कॉलोनी को हम जा के बीच बीच में सफाई का काम हम करेंगे। नाम मेरा नाम रेणु राय, प्रिंसिपल महर्षि विद्या मंदिर खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।